नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी है। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी फरीदाबाद की 5वीं की छात्रा हूँ। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। आज मैं आपको इसी पे आधारित कहानी सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है लालची सब्जी वाला। तुल्हाराम नाम का एक सब्जी वाला था। वह बहुत स्वच्छ सब्जियां बेचता था। दूर दूर से लोग उसकी सब्जियां खरीदने आते थे। वह और उसकी पत्नी बेहद खुश थे। यह तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी दोनों का नतीजा है। आज हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। तुल्हाराम के मन में और धन कमाने की इच्छा आने लगी। वह दिन ब दिन सोचता, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, जब भी हाथों में कम मुनाफा आ रहा है, क्यों ना कम लागत में ज्यादा कमाया जाए। यह सोचकर तुल्हाराम ने अपने वजन कांटे के नीचे चुंबक लगा दिया। अब उसे कम सामान में ज्यादा मुनाफा होने लगा। परंतु उसकी पत्नी को यह सब पसंद नहीं था। यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो, लालच में आके ग्राहकों को ठग रहे हो। किसी दिन पकड़े गए तो बहुत बदनामी होगी। चुप रहो, मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। मुझे अभी और धन चाहिए। एक दिन रामू नाम का लड़का तुल्हाराम के पास सब्जी लेने पहुंचा। रामू को तुल्हाराम के वजन कांटे पे शक हुआ। वह बोला, भैया मैंने तो 2 किलो आलू मांगे थे, ये तो बहुत हल्के लग रहे हैं। जरा दोबारा तोल के देखो। मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम जा सकते हो। रामू को तुल्हाराम पर शक हुआ। वह वजन कराने दूसरी दुकान पर पहुंचा। भैया जरा तोल के बताइए, यह कितना है। यह 1.5 किलो है भाई। रामू चुप कर तुल्हाराम की दुकान पर देखता रहा। वह समझ गया कि वजन कांटे में ही कुछ दिक्कत है। तुल्हाराम को सबक सिखाने के लिए रामू ने एक तरीका निकाला। रामू एक और वजन कांटा ले आया और ठीक तुल्हाराम की दुकान के सामने जाकर चिल्लाने लगा, जादू जादू, यह कांटा जादुई है। जो भी अपना सामान इस जादुई कांटे पे तोलेगा, यह जादुई कांटा उस सामान को कम ही बताएगा। यह सुनकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी तुल्हाराम वहाँ आ पहुँचा और रामू से झगड़ने लगा। ऐसा कोई कांटा नहीं होता, तुम जाओ यहाँ से। मुझे कहा तुमने, ऐसा कोई कांटा नहीं होता, फिर इसका वजन हल्का कैसे हुआ, यही तो तुम बताओ तुल्हाराम। तभी रामू तुल्हाराम का वजन कांटा लेकर सबको दिखाने लगा, जिसके नीचे चुंबक लगी थी। यह देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया और सबने मिलके तुल्हाराम को बहुत पीटा। आहा, कहते हैं ना, लालच का फल कभी भी मीठा नहीं होता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।